दोस्तों, आज मैं आपको ठंड में गरीब के घर आया एक नया हीटर कहानी सुना रही हूँ। अरे बाप रे, इस बार तो बड़ी ठंड है। इस कपकपाती हुई ठंड में मेरे हाथ पैर जम से गए हैं। ऊपर से ये बर्फीली हवाएं चल रही हैं, ऐसा लग रहा है जैसे बर्फ़ ही पड़ रही हो। हे भगवान, हम गरीबों पर भी थोड़ा रहम करो। तभी वहाँ एक आदमी आता है। ए मोची, मेरे जूते सिल दे और पॉलिश भी कर देना। हाँ साहब, अभी करके देता हूँ। ये लो साहब, चमका दिए आपके जूते। अब देखो, बिल्कुल नए से लग रहे हैं। ये लो 20 रुपये। एक तो इस ठंड के मौसम में केवल 4-5 ही लोग मेरी दुकान पर आते हैं। मुश्किल से 40-50 रुपये की कमाई होती है। इस कपकपाती ठंड में 30-40 रुपये में आखिर होता क्या है? महेश और उसका परिवार मसूरी के पास एक गांव में रहते थे। हिल स्टेशन पास होने के कारण उस गांव में भी 12 महीने ठंड रहती थी। महेश एक मोची था जिसकी कमाई 60-70 रुपये थी दिन भर की। महेश की पत्नी मालती लोगों के घरों में झाड़ू पोछे का काम करती थी। इसी से उनके घर का गुजारा चलता था। एक दिन जब दोनों घर लौटते हैं तो उनका बेटा राजू चारपाई पर बैठा ठंड से कांप रहा था। मालती बोली, देखो जी, राजू कैसे ठंड से कांप रहा है, चलो इसे डॉक्टर को दिखाते हैं। फिर वे दोनों राजू को डॉक्टर के पास ले जाते हैं। डॉक्टर साहब, कैसा है हमारा बेटा? अभी तो मैंने दवाई दे दी है, वैसे उसके सीने में ठंड लग गई है। उसको बिल्कुल गर्म कपड़ों में और गर्म रूम में रखो। तुम लोग एक हीटर खरीद लो, आगे तो और ठंड बढ़ने की संभावना है। हीटर? हीटर हम कहाँ से लाएंगे? हम दोनों मिलकर 100 रुपये भी नहीं कमा पाते हैं, हम हीटर कैसे खरीदेंगे? देखो, अगर तुम्हें अपने बच्चे की तबीयत ठीक रखनी है तो तुम्हें हीटर का इंतजाम करना ही पड़ेगा। डॉक्टर साहब की बात सुनकर महेश और मालती परेशान हो जाते हैं। वे राजू को लेकर घर आ जाते हैं। अब हम लोग क्या करें? हम कहाँ से हीटर का इंतजाम करें? हमारे पास तो इतने पैसे नहीं हैं कि हम एक नया हीटर खरीद सकें। हे भगवान, हम गरीबों पर दया करो। सारी परेशानी हम गरीबों के हिस्से में ही क्यों देते हो? मालती, धैर्य रखो, कुछ ना कुछ इंतजाम हो ही जाएगा। मैं कुछ और काम देखता हूँ। मालती सोचती है कि मैं ही पैसे जोड़ जोड़ कर एक नया हीटर खरीद लूँगी। मोची की आमदनी इतनी थोड़ी ही होती है कि वो एक हीटर खरीद सके। तभी महेश भी सोचता है, लगता है अब मुझे कुछ और काम देखना पड़ेगा। इस मोची के काम में इतनी आमदनी नहीं कि मैं एक नया हीटर खरीद सकूं। वे दोनों यह ठान ही लेते हैं कि अब उन्हें एक हीटर खरीदना ही है। मालती की मालकिन, इस मौसम में तो हीटर का मज़ा ही अलग है। अरे कितना मज़ा आ रहा है हीटर के सामने बैठकर और चाय पीकर। अरे तुम यहाँ क्यों खड़ी हो, क्या कर रही हो? हीटर की गर्म हवाएं मुफ्त में ले रही हो? जाओ जाकर अपना काम देखो। मेम साहब, ये हीटर कितने का आ जाता है? मुझे भी अपने बेटे के लिए एक हीटर खरीदना है, ठंड में उसकी तबीयत खराब हो रही है। क्या अब तुम लोग भी हीटर खरीदोगे? तुम्हारी हैसियत है इतनी कि तुम हीटर खरीद सको? यह 10,000 का हीटर है, तुम तो इसे 2 साल तक भी नहीं खरीद पाओगी। जाओ यहाँ से और मेरे लिए एक कप कॉफ़ी बना कर लाओ। मालती दुखी होकर चली जाती है। वह थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठा भी कर रही थी। महेश भी ज़्यादा काम करके पैसे इकट्ठा कर रहा था। एक दिन जब वह घर वापस जा रहा था तो रास्ते में उसे कबाड़ी की दुकान पर हीटर रखा हुआ दिखा। अरे यह तो हीटर ही हीटर है, पर ज़्यादातर खराब ही होंगे। वह पूछता है, भाई यह हीटर कितने का है? भाई साहब, यह हीटर सारे के सारे खराब हैं। अगर फिर भी आप इन्हें लेना चाहते हो तो मैं आपको 100 रुपये में दे दूंगा। अरे इसके तो बहुत कम दाम है। ठीक है, मुझे ये वाला हीटर दे दो। वह हीटर लेकर अपने घर चला जाता है। अगले दिन पूरे दिन वह उस हीटर को ठीक करता है। शाम को वह मालती से कहता है। मालती कहती है, देखो जी, राजू की तबीयत फिर ख़राब सी हो रही है, बर्फ़ भी पड़ने वाली है और अभी तक हमसे एक हीटर का इंतजाम भी नहीं हुआ है। भाग्यवान, तुम चिंता मत करो, ये देखो ये क्या है। वह देखती है तो महेश के हाथों में हीटर था। यह देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। अरे आप ये कहाँ से लाए हो? आपके पास तो इतना पैसा भी नहीं था।
अरे भाग्यवान, ये तो मैंने बस 100 रुपये में ख़रीदा है। ये ख़राब था, इसको मैंने ठीक कर लिया है। कबाड़ी वाले के पास बहुत सारे हीटर थे, वहीं से ये मैं हीटर ख़रीदा है। वह हीटर को चलाता है, इससे गर्म हवाएं उसके पूरे कमरे में फैल जाती हैं, उसका पूरा कमरा गर्म हो जाता है। तभी उनका बेटा राजू भी कहता है, अरे माँ, हमारा तो पूरा घर गर्म हो गया है, अब तो मैं मज़े से खेलूँगा, मुझे सर्दी भी नहीं लग रही है, इसमें तो गर्म गर्म हवा निकल रही है। माँ, भगवान आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारी सुन ली और हमें एक हीटर दिलवा ही दिया। वह अपने नए हीटर की पूजा भी करती है। उनके लिए तो यह किसी खजाने से कम नहीं था, महेश ने कहा। उस कबाड़ी की दुकान पर और बहुत सारे ख़राब हीटर हैं, अगर मैं उन हीटर को उससे ख़रीद लूं और ठीक करके कम दामों पर बेच दूं तो कितने गरीबों का भला होगा। इसके बाद उसने उस कबाड़ी वाले से सारे हीटर ख़रीद लिए और उनको ठीक करके कम दामों में गरीबों को बेच दिए। उससे उसकी आमदनी भी बढ़ गई और कुछ महीनों बाद उसने एक दुकान ख़रीद ली। अब बहुत सारे लोग उस दुकान पर आने लगे अपना हीटर ठीक कराने और उनका जीवन यापन बहुत अच्छी तरह से चलने लगा। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।